नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन। इस साल के अंत तक पांच विधानसभा क्षेत्रों में या यूं कहूं कि पांच राज्यों में अलग अलग विधानसभाओं पर चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए यानी मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट प्रत्याशियों की जारी की है। दूसरी लिस्ट में कई सारे बड़े नामों को शामिल किया गया है। तीन मंत्री शामिल किए गए हैं और उसके साथ साथ सात सांसदों के नाम भी शामिल हैं। ये नाम क्या कुछ परिवर्तन लाने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ नेशन स्पीक से ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना भी मौजूद है, लेकिन उससे भी पहले आपको मैं सात जितनी भी ये सीटें हैं जिसमें मंत्रियों के नाम शामिल है और सांसदों के नाम शामिल है, वो सारे ही नाम पढ़कर बताने वाली हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गीता, थैंक यू, नमस्कार। इससे पहले सर हम शुरुआत करें, सारे ही नाम मैं एक बार जनता को बताना चाहूंगी कि क्या कुछ नाम है। जिसमें सबसे पहले बात करें तो शहपुर विधानसभा से दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, लाहार से अमरीश शर्मा, भीतरवार से मोहन सिंह राठौर, डबरा से इंद्री देवी, तेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, केरा से रमेश खटीक, रघुगढ़ धीरेन्द्र सिंह बंटी, देवरी बिजबिहारी पटेरिया, राजनगर से अरविंद पटेरिया, सतना से गणेश सिंह, इसके साथ साथ मेहर से श्रीकांत चतुर्वेदी, सीधी से रीति पाठक, सिंहावल से विश्वामिक्ष पाठक, इसके साथ साथ कोतमा दिलीप जासवाल, जबलपुर पश्चिम से राकेश, इसके साथ साथ डिंडोरी से पंकज टेकाम, निवास से फगन सिंह, फुलसते कटंगी से गौरव पारधी, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल, गाडरवाड़ा से उदय प्रताप सिंह, जुनारदेव से नथन शाह, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी, पसारिया से ज्योति ढेरिया, घोगा ढूंगरी से गंगाबाई, उसके साथ साथ खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी, आगर से मधु गहलोत, शाहपुर से अरुण भीमावत, भाकनगांव से नंदा ब्राह्मणी, राजपुर से अंतर सिंह पटेल, पानसेमल से श्याम बर्डे, थांदला से कल सिंह भावर, गंदवानी से सरदार सिंह मेड़ा, देलालपुर से मनोज पटेल, इंदौर एक से कैलाश विजयवर्गीय, नागदा खाजरोत से तेज बहादुर सिंह, सैलाना से संगीता चारे। यानी ये वो सीटें हैं जहां पर दूसरी लिस्ट में नाम घोषित हो गए हैं। अलग अलग नाम है, सात सांसद है, तीन केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल किए गए हैं। सर, कैसे समीकरण बनने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ा दाव खेलती हुई बीजेपी नजर आई है। देखिए, मध्य प्रदेश को लेके बहुत क्यास लग रही हैं, बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, लेकिन बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि पहला मास्टर स्ट्रोक खेला था जब पहली लिस्ट आई थी, और वो सभी उन जगहों की लिस्ट थी जहां पर बीजेपी कभी जीती नहीं है, कभी दूसरे नंबर पर रही है, मतलब हालत खस्ता थी, इसलिए बहुत पहले लिस्ट घोषित कर दी। अब जो दूसरी लिस्ट आई है ये हैरान इसलिए करने वाली है क्योंकि जो लिस्ट बनाने वाले थे, जिन्होंने अनाउंसमेंट करनी थी, वही इस लिस्ट में है। और इस मास्टर स्ट्रोक के बारे में आपको बताऊंगा। पहले वो चार बड़े चेहरे देख लीजिए जो जो शामिल हैं इसमें। इसमें प्रहलाद पटेल शामिल है, नरसिंहपुर से नरेंद्र सिंह तोमर है, फग्गन सिंह कुलस्ते की इसमें फोटो नहीं है, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जो इसमें शामिल हैं। और ये देखिए, ये कहानी है कि 39 विधानसभा सीटों के लिए जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं उनमें से तीन केंद्रीय मंत्री हैं, सात सांसद हैं। क्या कीजिएगा आप, मतलब एमपी का चुनाव, एक एमपी के अंदर 8-9 एमएलए आते हैं, और अगर एक एमपी को, खासकर केंद्रीय मंत्री को अगर लड़ने भेज रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा मुंबई की टीम के लिए यानी रणजी के लिए खेलने जा रहे हैं। वहां पर क्या हाल करेंगे आप समझ ही गए हैं कि वहां पर वो जब इंटरनेशनल पे इतना अच्छा खेलते तो वहां कैसे खेलेंगे। तो ये वो बड़े चेहरे हैं, और एक एक करके देखिए हम बता दें कौन कौन है वो। तो केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये दिमनी सीट से लड़ रहे हैं, नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल हैं, और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। ये तीन बड़े मेन चेहरे जो मंत्री हैं। अब एमपी कौन कौन से हैं, जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह, सतना से गणेश सिंह, सीधी से रीति पाठक, और गाडवारा है वहां से उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया। अब इस पूरी चीज को डिकोड करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये आखिर जो हुआ है उससे कांग्रेस खुश हो या दुखी हो, बीजेपी को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ गया कि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स को रणजी में उतार दिया एक तरीके से। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी एमपी इलेक्शंस का
जो महत्व है वो जानती है कि किस तरह से सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, और इसलिए ऐसा मास्टर स्ट्रोक ये सेकंड है जिससे कांग्रेस को अब ये समझ नहीं आएगा कि करे तो करे क्या करे, क्योंकि जब एक सीट पे एक ऐसा दिग्गज खिलाड़ी आ जाता है तो उसके दो फायदे होते हैं। पहला तो वो आसपास की सीटों पे भी फर्क डालता है, ओवरशैडो कर जाता है सबको, अब वो मुश्किल है कांग्रेस के लिए। दूसरा उस हैवी वेट से निपटने के लिए सामने हैवी वेट देना पड़ता है, कहां से लाएंगे आप इतने हैवी वेट, तो समझिए। अब पहली बात, मुरैना की जो दिमनी सीट है वहां से नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया है, और ये कौन सी सीट है जहां से पिछली बार शिव मंगल सिंह तोमर बीजेपी के कैंडिडेट थे, लेकिन यहां जीता कौन था, कांग्रेस। कितनी वोट से जीते थे, 18,477 वोट से। तो अब कौन आ गया, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री जो कैंपेन कमेटी के यहाँ पे चेयरमैन भी है। तो कुल मिला के ये सारा समीकरण ही बदल सकता है, क्योंकि जब एक हैवी वेट आता है तो चीजें बड़ी तेजी से बदलती हैं। तो ये आप ये कह लीजिए कि हारी हुई सीट को अपने नाम करने का एक तरीका है, और बीजेपी ने बाखूबी वो तरीका अपनाया है। दूसरी सीट से समझिए, यहां हालांकि पिछली बार भाजपा ही थी, लेकिन इस बार कौन है, प्रहलाद पटेल, पिछली बार थे जालम सिंह पटेल, और जीती कौन थी, भाजपा ही। तो यहां भाजपा ही जीती थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए आगे, फग्गन सिंह कुलस्ते, यहां से पिछली बार कौन था, राम प्यारे कुलस्ते, जीता कौन था, कांग्रेस। कितनी वोट से, 28,315 वोट से। अब कौन आ गया, केंद्रीय मंत्री। तो क्या होगा, पलट गई बाजी, यहां भी कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। आगे समझिए, ये वो नेता है जो अपने दम पे कई स्टेट्स में जाके चुनाव लड़ते हैं और जिताते हैं, महासचिव हैं बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय, एक जाना माना चेहरा। अब क्या है, ये प्रत्याशी बन गए हैं। पिछली बार कौन था, इंदौर से सुदर्शन गुप्ता, जीता कौन था, कांग्रेस। कितनी वोट से, 8,163 वोट से। अब कौन आ गया, कैलाश विजयवर्गीय, जो दूसरों को जिताते हैं, अब खुद जीतने की बारी है। अब इस सबके बीच ये भी समझना जरूरी है कि कौन कौन से जगह पर पूर्व विधायकों को टिकट मिला है। तो उस दूसरी लिस्ट में शिवपुर से जैसे आपने बताया दुर्गालाल विजय, मुरैना से रघुराज कंसाना, सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल, डबरा से इमरती देवी, करेरा से रमेश सेठी, कोतमा से दिलीप जायसवाल, और खिलचीपुर से हजारीलाल दांगी, धांधला से काल सिंह भाबर, और दीपालपुर से मनोज पटेल, और सैलाना से संगीत चार। ये वो नाम है जिनको पिछली बार वालों को रिपीट किया गया है, पूर्व विधायकों को टिकट मिला है। अब बीजेपी सूची पे तंज कसा है, किसने कसा है, कमलनाथ। क्या कहा है उन्होंने, पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रत्याशियों की ये सूची भाजपा की आंतरिक हार को पक्का मोहर लगाती है। अब ये कांग्रेस का वर्जन है, पर इसे आप समझिए कि इस चीज का मतलब क्या है। तो बीजेपी ने इतना बड़ा दाव खेला है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है कि वी हैव टू विन एट एनी कॉस्ट। इतने बड़े बड़े चेहरे जो 2024 के लिए रिपीट हो सकते थे, दोबारा टिकट लेके लड़ते, उन चेहरों को कहां भेज दिया, विधानसभा में। मैंने बताया ना, एक एमपी के अंदर 7-8-9 डिपेंड करता है कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कितना बड़ा, उतने एमएलए आते हैं। अब उस एमपी को ही एमएलए बनाकर उतार दिया गया, एमएलए का प्रत्याशी बनाकर, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसके ही घर में। अब देखिए, हर जगह से हम जिन सीटों की बात कर रहे हैं, आप चाहे दिमनी ले लीजिए, नरसिंहपुर ले लीजिए, निवास ले लीजिए, इंदौर ले लीजिए, सब अलग अलग जगह से आपने दिग्गजों को उतार दिया, और उस अब सब जगह से घिर गए वो कांग्रेस के प्रत्याशी जो उतरने वाले थे, पिछली बार जीते थे या नहीं जीते थे, और कांग्रेस के दिग्गजों को अब सारा जोर यहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां बड़े चेहरे आ चुके हैं। और बीजेपी की ये तारीफ भी करनी पड़ेगी यहां पर कि बीजेपी में जो हाईकमांड ने कह दिया वही फाइनल है, ये नहीं कि मैं तो मंत्री हूं जी, एमपी रह लिया इतनी बार, अब मैं क्या ये एमएलए का इलेक्शन लड़ने जाऊंगा। एक कहानी, दूसरी कहानी, बीजेपी की इस अनाउंसमेंट के बाद बीजेपी ने इतने चेहरे सीएम के लिए खड़े कर दिए, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर का नाम बड़ा चर्चा में रहता है, कैलाश विजयवर्गीय का, और ये सब प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, सब सीनियर्स हैं, इतने चेहरे खड़े कर दिए कि चुनाव जब हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट फेवर में आता है तो किसको सीएम बनाना है कोई किंतु परंतु नहीं रह जाएगा, क्योंकि सब चुन के आए हैं। इसीलिए परेशानी हो सकता है, शिवराज सिंह को भी थोड़ी लगे कि ये इतने बड़े बड़े चेहरे आ गए, लेकिन वो अंदर
अंदर की बात हो सकती है, लेकिन बाहर की बात यह है कि ये बीजेपी का दूसरा मास्टर स्ट्रोक है। कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन इस वक्त जो बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप ने ये स्ट्रोक खेला है, वो खेलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि बड़े चेहरों को नीचे लाना, ग्राउंड पे काम करवाना, वो भी ऐसे समय में जब आपको 6-7 महीने में लोकसभा चुनाव के लिए जाना है, और ये मंत्री हैं, एमपीज हैं, इन्हीं को वहां पे लड़ना भी हो सकता था, लेकिन सब कुछ बदल दिया एकदम, क्योंकि यहाँ पर जो चाणक्य बैठे हैं उन्होंने ये तय कर लिया कि एमपी जीतना है। कैसे जीतना है ये आप देखिए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नो डाउट वहां पे कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर देखने को तो मिल रही है, लेकिन बीजेपी चाहती है ऐसे मास्टर स्ट्रोक्स लगाए वो चुनाव हिट करने से पहले ही, कि इतनी तेजी से रैलियां होनी शुरू हो या कैंपेन शुरू हो कि आप विरोधियों को उनके ही गेम में उलझा दें, उनको ही ये टेंशन में डाल दें कि इस सीट से किसको उतारें। इतना बड़ा चेहरा है, जब अब जब कहां कहां पे आप किसी मूवी में एक बड़े स्टार को कास्ट कर लें, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या किसी को, तो उसके सामने कास्ट करने के लिए भी आपको उतने दमदार चेहरा चाहिए, नहीं तो फिल्म फ्लॉप है। तो ये वो चेहरे उतारे हैं, इससे अब कांग्रेस की टेंशन बढ़नी चाहिए। जी सर, इसके साथ साथ दूसरी लिस्ट आने के बाद तीसरी लिस्ट का इंतजार भी जो है वो शुरू हो गया है, क्योंकि अब और कयास लग रहे हैं कि जिस तरीके से 3 केंद्रीय मंत्री पहले मैदान में उतर चुके हैं, एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी खेल चुकी है, उसके बाद अब 2 और केंद्रीय मंत्रियों की शामिल होने की चर्चा शुरू हुई है कि मध्य प्रदेश में 2 और केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हो सकते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़े पते की बात की है। वो कहते हैं कि सारी बिजलियां एक ही बार में गिरानी नहीं चाहिए। तो ये जो 2 मंत्रियों के नामों की चर्चा चल रही है, ये कि थर्ड लिस्ट अभी हालांकि बहुत जल्दी आने वाली नहीं है, लेकिन जब भी आएगी तो ये लिस्ट आ सकती है, और लिस्ट में इनका नाम आ गया तो कांग्रेस एक तरीके से वो जो एमपी का किला बना हुआ है उसको बीजेपी हर कॉर्नर से घेर लेगी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर वाले क्षेत्र से आगे तो पूरा क्षेत्र खा जाएंगे, वहां पे उनका पूरा प्रभाव रहेगा आसपास वाली सीटों पे। जितने मंत्री उतरे हैं मैंने बताया, इनके अंदर बहुत बहुत एमएलए होते हैं, तो ये डेफिनेटली वो पूरा कैप्चर करेंगे और आसपास की सीटों पे फर्क डालेंगे। तो क्या कांग्रेस भी अब इसी तरीके से करेगी? क्या दिग्विजय सिंह को उतार दिया जाएगा, या और बड़े चेहरे जो है मध्य प्रदेश के उनको उतारा जाएगा? क्या सेंटर में जो कोई 1-2 चेहरे हैं मध्य प्रदेश के, क्या उनको यहाँ पे लाया जाएगा? अब कांग्रेस के लिए स्ट्रेटेजी मुश्किल होगी, सारी चीजें एकदम से उलझ गई। भले कांग्रेस कहे ये बीजेपी के अंदर खाने की एक लड़ाई दिखती है, खींचतान दिखती है, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर चुनाव जो जीता जाएगा वो स्ट्रेटेजी से जीता जाएगा, बयानों से बिल्कुल नहीं। और स्ट्रेटेजी बीजेपी की बिल्कुल साफ है। अभी दिन 2 चेहरों का आपने नाम लिया, उनमें से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्रीय मंत्री हैं, और तीसरी लिस्ट में अगर उनका भी नाम आ गया, जैसा कि अभी ये सोचा ही जा रहा है कि हो भी सकता है, तो ये एक बहुत, मैं कह रहा हूँ कि एक और मास्टर स्ट्रोक आ जाएगा, और इतने मास्टर स्ट्रोक्स के बीच कहीं किसी को स्ट्रोक ना आ जाए ये भी देखना पड़ेगा। जी, यानी कुल मिलाकर बीजेपी अपना मजबूत दाव खेल चुकी है, और आने वाली लिस्ट को लेकर जो कयास लग रहे हैं वो भी काफी भारी भरकम है। और अगर आने वाली लिस्ट में भी जैसे कयास लग रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नाम शामिल होंगे, तो कांग्रेस के लिए मुसीबतें खड़ी होने वाली हैं, और बीजेपी के लिए एक मैं कहूंगी कि आसान रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बिल्कुल आसान रास्ता, और आप देखिए कि पिछली बार बहुत कम मार्जिन था बीजेपी और कांग्रेस में, और बीजेपी की स्ट्रेटेजी है भैया जो जीते थे वो तो जीत लेंगे, देखेंगे उसको, जो नहीं जीते थे उसका हल ढूंढो, वहां फर्क डालो। अगर हम सपोजली कोई 30-40-35 ऐसी सीटें हैं या 50 ऐसी सीटें हैं जहां हम नहीं जीते थे, अगर उन पे एक्स्ट्रा जोर लगा के 25 भी जीत गए, 20 भी जीत गए, 15 भी जीत गए, और जितनी हम पहले जीते थे उतनी जीत गए, तो सरकार बन जाएगी। अब कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि कांग्रेस को इस रणनीति से अगर पार पाना है तो आपको उतने ही बड़े चेहरे चाहिए, उतने ही बड़े नाम चाहिए, और वैसे ही स्ट्रेटेजी चाहिए। आपको फटाफट सीट अनाउंस करनी है ताकि आप पिछड़ ना जाएं। आप बेशक एक बात मान के चलिए, एक ये भी रूल है कि जहां पर जो जीतता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहती है सीट वाइज भी, तो ये भी बीजेपी का कहीं एक है कि हमें एंटी इनकम्बेंसी भी कम करनी है,
हाँ बीजेपी के लिए और चार परेशानियां मध्य प्रदेश में दिखती हैं, अंदर खाने कहीं ना कहीं गुटबाजी दिखती है, कोई टिकट मिलने से नाराज है, कोई इधर जाके टिकट मांग रहा है, कोई उधर कर रहा है, ये सब होगा, ये कांग्रेस के अंदर भी होगा, ये किसी एक पार्टी की कहानी नहीं है। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा पॉइंट बाद में काम आएगा कि आम आदमी पार्टी जो वहां पे कैंडिडेट्स उतारेगी वो किसका वोट काटेगी, किसका वोट काटेगी, वो कांग्रेस का वोट काटेगी, बीजेपी का भी थोड़ा बहुत कटेगा लेकिन ज्यादा वोट वो कांग्रेस का काटेंगे। तो ये भी कांग्रेस को देखना है कि अब जहां पर बहुत थोड़े बहुत मार्जिन से हार जीत होनी है, अगर बहुत क्लोज कंटेस्ट रहता है जैसे कि हम समझ रहे हैं रहेगा, तो अगर वहां पे 1000-1500 वोट भी कोई ले गया तो कहानी बदल जाएगी। तो कांग्रेस भले ही आत्मविश्वास में है लेकिन ये अति विश्वास ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी भले ही बैकफुट पे सब बता रहे हैं लेकिन जिस तरह के बीजेपी के ये स्ट्रोक्स हैं वो बता रहे हैं मास्टर स्ट्रोक कि फ्रंट फुट पे आने में समय नहीं लगेगा, वो 1 महीना जब चुनाव से पहले रह जाएगा, उसमें जब अमित शाह, उसमें जब नरेंद्र मोदी, उसमें जब और बड़े नेता आके ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे और बहुत सारी चीजें उठेंगी, सनातन का मुद्दा वहां पर आएगा, वहां पे और बहुत सारी चीजें आएंगी, तो देर नहीं लगता है चुनाव बदलने में। इसलिए जी कांग्रेस को कि वो वैसी ही स्ट्रेटेजी के साथ आगे आने की कोशिश करे, फटाफट से सीट्स अनाउंस करे, फटाफट से बड़े चेहरे कौन से उतरने वाले हैं ये करना होगा। लेकिन हाल की घड़ी में, क्योंकि आज बात बीजेपी की हो रही है, तो बीजेपी की ये जो लिस्ट आई है दूसरी, ये मुझे लगता है ये सबको हैरान किया होगा, जो लिस्ट बना रहे थे शायद उनका कॉलम भी खाली छोड़ दिया और बाद में किसी ने भरा हो, और उनको जब पता होगा ओहो इस लिस्ट में मेरा भी नंबर है, मैंने भी एग्जाम देने जाना है, मैं तो सोच रहा था मैं उनको चुन रहा हूँ कि एग्जाम किसने किसने देना है, ये तो मुझे भी लिखना है एग्जाम जाके। तो बहुत जी सारे मैसेज छुपे हैं एक लिस्ट में इसमें। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जिन्हें एग्जाम देना था उनका, जिन्हें एग्जाम देने की सूची तैयार करनी थी उनका नाम भी एग्जाम में शामिल है, और कई सारे ऐसे नाम रहे, और एक बड़ा स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से खेला गया है। देखना ये है कि तीसरी लिस्ट में भी क्या इतना ही बड़ा कुछ देखने को मिलता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप शामिल हुए, और कुल मिलाकर इंतजार रहेगा तीसरी सीट का, तीसरी माफ कीजिएगा तीसरी सीटों की लिस्ट का, और सभी का ध्यान जो है अब इस इंतजार में, हालांकि हाल फिलहाल की घड़ी में तीसरी सूची आएगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंतजार शुरू हो गया है क्योंकि तीसरी लिस्ट ने तो सभी को चौंका दिया है। तमाम सारे अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा, आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।